हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और अर्ली मॉर्निंग से हमारे यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखिए, लगी हुई है बारिश कई दिन से। कल का दिन बीच में गैप लगा, नहीं तो आज फिर से बारिश है। और weather.com ने तो बता ही रखा था कि कल सुबह से ही बारिश शुरू हो जाएगी। हमारे जगने से पहले बहुत तेज़ बारिश एक बार फिर हो चुकी है और अब तो बरीक वाला झरना लगा हुआ है, लेकिन ये भी ठीक है। तो पिताजी ने जो है कल पानी निकलवाया था वहाँ पे घेर में, 5-6 दिन हो गए मुझे तो गए हुए। उस दिन से बारिश चालू है, मैं तो गई नहीं। और आज फिर उसमें तो नहीं पानी भर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा। जो गड्ढा था ना टॉयलेट का, तो उसमें मिट्टी की ढांग पड़ी हुई थी, मिट्टी बहुत सारी जमी पड़ी थी किनारों से। तो जी देखो, काम भी रुक रहा, ऊपर से नुकसान, सीमेंट का नुकसान, सीमेंट जम गया ऐसी बारिश में, क्योंकि सीलन बहुत जल्दी फैल रहा है। तो अभी जो कल घेवर लेके आए थे, आज उसे पांगने का नंबर, और चूल्हा जलाऊंगी मैं यहीं पे, फिर यहीं पे खाना बन जाएगा। क्योंकि बाहर तो देखो बर्तन वगैरह तो साफ़ हो नहीं सकते, सुबह के ब्रेकफास्ट के, सुबह नाश्ते के सारे बर्तन ना ऐसे ही चौकी पे रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश शुरू हो रही है। जब रुकी थी, जब सोच रहे थे, फिर एकदम से बारिश आ गई। जब तक नाश्ता करा, नहा के पूजा करके, बड़े बच्चों की चल रही है क्लास, छोटे बच्चे हैं बोर क्योंकि लाइट आई है अभी। और अब ये देखेंगे टीवी, दो तो नीचे ही थे, दोनों में तो देख रहे, लेकिन आरुषि को पता नहीं था कि लाइट आ रही, टीवी देख रहे हैं। तो अब गई आरुषि जब मैं आई ऊपर। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी सुनता है, पानी भरा हुआ था तो ये सूख सी जाएगा। फिर यहाँ एक कपड़ा डाल लेंगे, कुछ भी या पल्ली डाल लेंगे और चूल्हा जला लेंगे और अपना खाना भी बन जाएगा। और बच्चे कल से घेवर घेवर कर रहे, इनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। और आज भैंस ने दूध नहीं दिया, सही करा मैंने कल मावा निकाल लिया, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं हुआ कब दूध देना बंद कर दे। तो माँ कह रही तुमने सही करा, लास्ट बार का दूध का ना ऐसा करेंगे कि मावा निकाल के घेवर पर लपेट लेंगे। तो चलो जी, अपना काम चालू करते हैं और पूरा रूटीन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जी, हमारे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। तो चलो जी, आगे का रूटीन अपना शुरू कर देते हैं। इस बारिश से नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। एक तो फसलों में जो है एकदम हरियाली छा गई, लेकिन उधर सब्जियों का भी जो है, सब्जियां भी बहुत सारी ख़राब होगी। और कहीं कहीं बारिश से इतने नुकसान है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, मंडी में, कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा नुकसान है वहाँ पे। तो देखो, तो जी हमारे जितने व्यूवर्स हमें वहाँ से देखते हैं, तो जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का, आसपास वालों का खूब ध्यान रखिए और सेफ्टी से रहिए। तो पानी जो है, पानी का सैलाब ऐसा आ रहा है, वो बड़ी से बड़ी चीज़ को जो है बहा के ले जा, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन गगन का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चों की फरमाइश पूरी करने में लगे हुए थे। हमने सोचा था कि सोनिया भी आई हुई है और शाम के टाइम सब लोग कावड़ देखने के लिए जाएंगे। और एक फ़नी मोमेंट होता है वो, जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, पर ये नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी गगन की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है और उसकी उंगली में जिसमें ज़्यादा चोट लगी है वो उंगली भी ठीक है उसकी। तो हमने ये घेवर पांगने की जो है उसी दिन सारी प्रक्रिया की थी। फिर सब लोग जो है खाना भी भूल गए और इसे देखना भूल गए। बस जब हमने ये बनाया था तभी सब ने खाया था। तो भाई, बारिश का माहौल तो पूरे देश में चल ही रहा है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, लेकिन कम कहीं भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है सब जगह ज़्यादा ही हो रही है अब की बार। और जो भाई भविष्यवाणी पत्रे और जो भी इंटरनेट की भविष्यवाणी है, वे सब फेल होती दिखाई दे रही, क्योंकि पहले तो बता रहे थे भाई कि भाई सामान्य से बहुत कम बारिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये तो सामान्य से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है कई दिनों से खाना बनाना यहीं पे हो रहा है दोपहर का, तो क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जा, नीचे उतना है नहीं। और यहाँ पे आज तैयारी है घेवर बनाने की, बना हुआ तो आवे ही भाई, वे जो छत्ते से हुए हैं वे कच्चे, वे तो मार्केट से ले आवे, लेकिन उन्हें मीठा करना और उन पर जो है रबड़ी मावा लगाना, ये घर पर कर लें, थोड़ा सा जो है घर का अपना शुद्ध सा हो जा, मतलब विश्वास के लायक भी, हाँ भाई इसमें जो मटेरियल है बाकी का वो हमने डाला। तो यहाँ पे उसी लिए ये चाशनी बनाई गई, ये भाई मीठे की चाशनी है शुगर की, और इसमें चीनी नहीं है, खांड है, और खांड की ये चाशनी बनाई भाई। और इसके अलावा जो है रबड़ी, वो तो कल की निकाल रखी थी। और चिंकी क्या लाई है, चिंकी अभी अभी कुछ लाई है, इसमें घर का देसी वाला घी है भाई, वो भी किसी ना किसी काम आवेगा, अभी देख लेंगे आगे प्रोसेस जैसे बढ़ेगा भाई क्या काम आवेगा। और यहाँ पर कुछ और भी बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये है भाई ओट्स, और इसे बोल रहे हैं दलिया, तो दलिया बनेगा भाई नमक का और सब्जियों के साथ में। सब्जी क्या होती है इसमें, बस शिमला मिर्च है और इसमें प्याज है, हरी मिर्च डाल देंगे, और टमाटर है नहीं, टमाटर गांव में भाई सब्जी वाले लेके ही नहीं आ रहे, नु कह रहे भाई बहुत महंगे हो रहे, हिसाब किताब आ ही नहीं रहे हैं। तो बारिश के चलते भाई जो है टमाटर तो बता रहे कि भाई ख़राब शराब हो गए, इसलिए बहुत ही कम आ रहे हैं, तो उसके भी नहीं बनेगा बस ये आज।
चिंकी बेटा यहाँ पड़े 100 रुपए किलो थे टमाटर, अब 150 हो रहे। वो तो कोई बात नहीं, जो भी हो रहे, लेकिन अंदर बैठ के पढ़ो भाई, यहाँ पे धुआं होगा। हैं इस तरह का जो घेवर है, रॉ मटेरियल ला के और घर पे बनाने का, ये हम कर तो कई बार चुके हैं और ये सावन में ही चलता है भाई, और इसे घेवर ही बोलते हैं। एक तरह की मिठाई है, जो नहीं जानते उनके लिए है ये, क्योंकि हर जगह इस चीज़ का चलन नहीं है भाई, इस तरह के घेवर की मिठाई का। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है भाई, सावन के महीने में कोथड़ियों पे और भाई त्यौहार पे, रक्षाबंधन, हाँ, और भाई जो इन दिनों त्यौहार बड़ा आता है, जैसे कि भाई रक्षाबंधन है, तीज का त्यौहार है, तो इन सब पे जो है घेवर का क्रेज रहे हैं, तो हम उससे पहले ही मुहूर्त कर रहे हैं। वो तो जब आवेंगे आ जाएंगे तब भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले ही मुहूर्त करा जा रहा। और यहाँ पे ये कढ़ाई जो है भाई हमारी लोहे की है, और लोहे की कढ़ाई में जो जो बनाते हैं भाई, उसे तो पता ही है कि कुछ भी चीज़ बना लो उसका रंग काला ही होना है। तो कई बार ऐसा ही हो जा कि इसमें सब्जी बनावे या कोई और चीज़, पर उसका रंग जो है बिल्कुल काला हो जा, और देखने में लगे भाई ये तो खतरनाक हो गया काम, या सब्जी जल गई या ख़राब होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, टेस्ट उसमें वही रहे लगभग। बाकी जो है भाई सबकी अपनी अलग अलग मर्जी, कोई एल्यूमिनियम में की कढ़ाई में बनावे भाई, कोई लोहे की में बनावे, कोई स्टेनलेस स्टील की में बनावे। स्टील की कढ़ाई चूल्हे पर चलती नहीं, बहुत जल्दी जो है ना वो वैसी हो जा गरम सरम तड़क भड़क वाली। तो चलो फिलहाल तो चल रहा है ये भाई, और आगे भी देखी जाएगी कि क्या होगा। बरसात का मौसम या छावा है, तो इसलिए पूरा प्रोग्राम यहीं पे जोड़ दें। और ये वाला व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला कल, जो है बस आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया था गगन के बारे में, तो इस वजह से ये अभी ऐसे ही था। और शाम के टाइम मैंने दूसरा व्लॉग जो है एडिट कर लिया था लेट तक, क्योंकि देर सवेर हो जाती है दवाइयों में, और आना जाना जब घर में लगा रहता है तो पूरा बिजी शेड्यूल होता है सभी का। तो भाई यो था वो तामझाम, ये ला कर रख रखे दरअसल कल के, प्लान तो थी ना कल ही करने की, लेकिन कल कहीं जाना पड़ गया अचानक, तो ये काम था पेंडिंग। अब इसका सारा मटेरियल तैयार है, इसकी चाशनी भी है और इसकी रबड़ी भी है, और ये जो है भाई ये है कच्चा घेवर, जो इस तरह का हो गया है, और राजस्थान के घेवर प्रसिद्ध हैं भाई, या फिर वेस्ट यूपी के, जहाँ तक मैंने सुना, बाकी जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ का मुझे पता नहीं इसके अलावा। तो अब इसे मिठा करने की तरकीब निकल ली जाएगी, प्रोसेस चालू रहेगा ये वाला, और बालक बच्चे जो हैं खाने के लिए पहले से ही तैयार हैं। तो ये जो फेमस मिठाई है सावन की, ये पहली बार ही बन रही यहाँ पे भी इस सीज़न में, तो एक बार ये बन जा, फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तोड़ तोड़ के ही खाया जाएगा। अब तो ये घेरे टाइप का भाई, और इसमें जो ये चाशनी है या कल से ही ताक में है इसकी। अब देखो जो मक्खी है ना, आज इंतजाम कर रखा उसका, माल आ रही है कपड़ा, मक्खी इसके अगल बगल ना भटके यहाँ पे, लेकिन फिर भी भाई मक्खी तो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, इन्हें कौन रोक सके। जितनियों को आना होगा ये तो आवेंगे, फिलहाल अपना कार्य प्रगति में ये काम जारी है। और देखिए एक माँ को तो सारे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, और यहाँ पर बच्चों की फरमाइश के लिए ही सासू बहू ने ये सारी प्रक्रिया की है। और बच्चे आरुष तो बिना मावे वाला खाता है, तो उसके लिए मुझे ऐसे सूखा ही बचाना पड़ेगा, मतलब मीठा डाल के बिना मलाई का। तो यहाँ पर अब इसमें मैंने बखा, अब नंबर आ गया इस पर रबड़ी का, जो टेस्ट है वो है असली ये, तो इसी से बने हैं घेवर तो बढ़िया। वैसे ये रबड़ी का तो अभी चलन लगा, जब हम छोटे थे तब ये रबड़ी वाला इजाद नहीं हुआ था घेवर। ले भाई बढ़िया सी डाल दिए भाई, बच्चों का जो है टेस्ट आ जाए खाने में, उनकी पार्टी टाइप का कुछ हो जा। बच्चों से पहले तो कान्हा जी का भोग लगेगा। हाँ कान्हा जी भी तो बच्चे ही हैं। तो देखिए दोस्तों घेवर बना के तैयार कर दिया, और कान्हा जी का भोग लगा दिया, चिंगी ने याद दुआ दिया था हमारे, तो सबसे पहले भोग लगा के आई हूँ, अब बच्चों के लिए लेके जाऊँगी और पिताजी के लिए। तो सबसे पहले जब तक खाना तैयार होगा तो इसे भी खिला के आते हैं, सबका मुंह मीठा करवा के आते हैं। चलो जी सावन के महीने में
और आप सब भी जो है मुंह मीठा कर लीजिए। तो भाई गेवर का स्वाद जो है सबने ले लिया और माँ तो अभी भी लगी पड़ी है। माँ नु कह रही है अभी थोड़ा कुरकुरा हो रहा तो नरमाने में थोड़ा टाइम लगेगा। पिताजी के लिए नीचे भेज दिया लेकिन बहुत टेस्टी है। जो घर की चीज़ें होती है वो टेस्टी लगती है। माँ नु कह रही वहाँ दुकान पर तो पता नहीं कद के पंगे धरे रहें और कद उन पर मलाई लगा दें कभी के कभी तक बिकते रहें। खैर कोई बात नहीं, ये भी दुकान पर आया हुआ है, आधा पड़ोसी इसका दुकान का है और आधे से ज़्यादा अपने आप का राम नहीं हो तो बहुत टेस्टी लगा। और थोड़ा ही बचा इसका पार्ट और जो एक पूरा छत्ता है वो बचा हुआ है अभी, उसमें चाशनी लगेगी क्योंकि ये वाली चाशनी रहेगी कम। गाढ़ी होती सारो, ठंडी होती सारो, ये बहुत ज़्यादा एकदम से सूखी ही होती चली गई, ठंडी हो गए गाढ़ी होगी ज़्यादा। और यहाँ बननी है कढ़ी चावल। वैसे इस मौसम में कढ़ी चावल खा नहीं करते क्योंकि भाई खांसी जुकाम नज़ला धूप के सीजन में खाने चाहिए कढ़ी चावल, लेकिन फिर भी आज इन सब का मन कर रहा था और माँ ने तो कई दिन से कह दिया कि कढ़ी चावल बना लो। और यहाँ कढ़ी जो है बन के बस लगभग तैयार है पकौड़ों वाली। और इधर फ़ोन पर बात भी चल रही लगातार, काम के साथ साथ में सारे काम हो रहे, फ़ोन भी, घर की जिम्मेदारियाँ भी, पढ़ाई भी, लिखाई भी, सब काम हो रहे। और अब सब सामान को जब मुझे सिंगवाना इसे आता है और चिंकी को कहा था दो बर्तन लाने को, यहाँ सारे ला के धर दिए। फिर ये टोकरा भी चिंकी को नीचे पूछवाना क्योंकि अभी मौसम का कुछ पता नहीं, शाम का खाना यहीं बनेगा या नीचे बनेगा। हरी मिर्च प्याज और सब्जियाँ भाई बरसात के मौसम में कम ही आवे और मैं लेने चल जाऊँ हरी मिर्च क्योंकि यही ख़त्म है। भाई भाई के पास सब्जियां हैं अवेलेबल, आलू प्याज और हरी मिर्च, ये तीन आइटम हैं और इसमें से मुझे केवल हरी मिर्च लेनी, बाकी तो रखा है सामान। हरी मिर्च तो ताज़ी सी लग रही और जो किसान हैं भाई सब्जी वाले उन्होंने लगता है ताज़ी ताज़ी तोड़ ली। देखो बारिश में भी हरी मिर्च पहुँचाई हम तक। तो ये टोकरी है भाई की, भाई इसे खाली करके रिलोड करके वापस देगा हमारा भी। तो भाई हरी मिर्च तो आ गई है, पूंद बारिश है जा रही, बस इसमें तो भाई खाना, सोना और घर पर रहना यही काम रहे बस। और गप्पे सब पे लड़ाना, एक दूसरे की बुराई करना, रिश्तेदारों में कमियां निकालना, पड़ोसियों की बुराई। मुझे सपना क्या दिख रहा था? आराम आराम से क्यों कर रहे? मुझे तो यही लग रहा मुझे।